नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट के बारे में, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होंगी और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर ईसीई या फिर एमसीए और एमएससी में। जो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है दोस्तों, वो है सोलारिस या फिर यूनिक्स या फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, एमसीएसई, एमसीएसए, ओसीए या फिर ओसीपी, सीसीएनपी, CCNA, CCNP Security, CISSP, CCIE, CEH। सर्टिफिकेशन होना चाहिए मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज़ में, सर्टिफिकेशन होना चाहिए .NET या फिर जावा या फिर HTML या फिर वेब टेक्नोलॉजीज़ में, एंड्रॉयड, जावा, वेब सर्विसेज, iOS, ऐप डेवलपमेंट, PMP। कोई भी सर्टिफिकेशन जैसे कि API डेवलपमेंट, AI, ML, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जावा, पाइथन एक्सेट्रा में होना चाहिए। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्सर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 10 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है 2 मार्च 2022 और ये टेंटेटिव है दोस्तों। आप इनकी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दोस्तों वो मुंबई है और वैकेंसी 19 ही हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। एज लिमिट है दोस्तों 18 से 35 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, पोस्ट स्किल मैक्सिमम एज गिवन है, एक्सपीरियंस गिवन है 6 साल का, पोस्ट क्वालिफिकेशन में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए और टीम इन यूनिक्स और लिनक्स को हैंडल करना आना चाहिए। इस तरह से आपके सारा एक्सपीरियंस भी गिवन है, तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रिलैक्सेशन ऑफ एज दिया है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का, चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स जिन जो हु डाइड इन 1984 उनके लिए 5 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का। रेम्यूनरेशन स्केल पे गिवन है जो है 78,230। सिलेक्शन प्रोसीजर गिवन है, एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपीज़ फॉर SC ST NPWD कैंडिडेट्स और अदर कैंडिडेट्स के लिए है 850 प्लस GST। जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो यहाँ पर एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है जहाँ पर आप रिप्लाई करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।